सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल संग्राम सिंह। दोस्तों आज है 22 अप्रैल, टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30, और आज का ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड है, सारे लोग बोर हो रहे हैं। तो आज का इस व्लॉग में आप लोगों को पूरी तरह एंटरटेन किया जाएगा, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं अपनी इस रफ लुक की, इस मूछ और दाढ़ी की बलिदानी देने वाला हूँ। और लड़कों के लिए ये बहुत 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 बड़ा टास्क होता है, क्योंकि जब लड़के बहुत मुश्किल से दाढ़ी मूछ बढ़ाते हैं, 5-6 महीने रखते हैं और उसके बाद क्लीन शेव करना है, जैसे कि कहीं जाके सुसाइड करना है। इसलिए लड़के लोग इस डर से क्लीन शेव नहीं करते कि वो कैसे दिखेंगे और लोगों का रिएक्शन क्या होगा। तो इसलिए आज मैं पूरी तरह क्लीन शेव करूँगा, और बाद में मेरे जो घर वाले, मॉम, भाई, भाभी, मेरे घर की प्यारी प्यारी भतीजा, उन सबका रिएक्शन कैप्चर करूंगा। तो इस ब्लॉग को एंडिंग पार्ट तक ज़रूर देखना। लेकिन ये सारा प्रोसेस शुरू करने के पहले कुछ और काम किया जाएगा, बेसिक स्टफ, क्योंकि मैं अभी उठा हूँ, कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं है। तो पहले नाश्ता किया जाएगा, और दूसरा टास्क मेरे लिए ये है, सब्र करो, दूसरा टास्क भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन पहले जो पहला टास्क है खाना पीना, पहले वो तो कंप्लीट हो जाए। तो इस टास्क में मेरा साथ देंगी मेरी सोल्जर खुशी। आप लोग जो लोग ऑलरेडी हमारे ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता है सोल्जर खुशी है मेरी दूसरे नंबर की भतीजी। अभी जो लास्ट शॉट आप लोगों ने देखा, उसमें मेरा जो कैमरा है G7X Mark II, उसमें पूरा दाल गिर गया था उसके ऊपर, और लेंस के अंदर पूरी दाल की चली गई थी। ये जो कैमरा आप देख रहे हैं, ये जो लेंस है, इसमें पूरी दाल चली गई थी, सब गड़बड़ हो गया था। कैसे कैसे मैंने YouTube वीडियोस देखे, क्या क्या किया। एक मुझे YouTube वीडियो मिला, उसमें मैंने देखा कि कैसे ये कैनन G7X Mark II का लेंस पूरा ओपन करते हैं और कैसे उसे क्लीन करते हैं। तो बहुत सारे दिक्कतों के बाद मैंने ये कैमरा ओपन किया, उसका लेंस वगैरह क्लीन किया, सारी चीज़ें तो कर दी मैंने, और फिर से दोबारा उसे फिक्स भी कर दिया। तो 2:30 बजे के करीब ये हुआ, और अभी 8 बज रहे हैं, तो बहुत टाइम हो गया इसको। बहुत ज़्यादा दिक्कत और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, कहीं ना कहीं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, सारी चीज़ों को दोष दे रहा था। लेकिन मेरी गलती थी कि मैं किचन में गया और वहाँ पे ये कैमरा लेके गया, जो हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं कि मैं सोच रहा था कि व्लॉग करूँ, जो मैं पूरा सामान ओपन किया है, लेकिन कैसे फ्रस्ट्रेशन में व्लॉगिंग नहीं हो पाती है। हम ज़्यादा गुस्से में होते तो व्लॉग वगैरह, कैमरा वगैरह हैंडल करना ये नहीं होता है। फिर भी कैसे कैसे मैंने सारी चीज़ें की, मैं सारी चीज़ों तो जोड़ नहीं पाया हूँ, क्योंकि G7X Mark II का कैसे होता है, जब हम ओपन करते हैं तो ये जो स्क्रीन है वो ओपन होता है और दोबारा क्लोज होता है, वो पार्ट मैं नहीं जोड़ पाया, वो पार्ट अलग रखा है मैंने। अभी जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो इसके शोरूम में जाऊंगा और फिर उन्हें कहूंगा जोड़ने के लिए, अब उसके लिए अलग चार्जेस पे करने होंगे। बस यही था आज का पूरा व्लॉग, गड़बड़ हो गया, सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। जो व्लॉग शूट करने वाला था, क्लीन शेव, फैमिली का रिएक्शन, वो भी नहीं हो पाया, ना मैं अभी तक खाना खा पाया, अब जाके मैं खाना ले रहा हूँ। बस यही था जो मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता था। अब पता नहीं ये लॉकडाउन कब खुलेगा। वैसे तो ये कैमरा चल रहा है, यहाँ से देखो, ऐसा यहाँ से ऐसी पूरी दाल लग गई थी। तो ये तो क्लीन करने में मैं कामयाब रहा। आई एम नॉट श्योर कि मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगा नहीं करूँगा, और मैं ये व्लॉग अपलोड भी करूँगा कि नहीं करूँगा। अगर ये व्लॉग अपलोड हो गया, समझ जाना कि आई रियली वॉन्ट टू शेयर माई बैड टाइम्स ऑल्सो विद यू, नॉट ओनली गुड टाइम्स, क्योंकि व्लॉगिंग में गुड टाइम्स तो हर कोई शेयर करता ही है। अगर मैंने ये व्लॉग अपलोड कर दिया और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक दबा कर जाना, इफ़ यू न्यू डू इट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन। और बस यही था, पता नहीं बोला, लेकिन बोलना तो बनता है। अभी जैसे सारी चीज़ें हो गई, कैमरा गड़बड़ हो गया, सब हो गया, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, तो आई हैव टू से, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात हमें शायद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन टेंशन लेने का। बाय बाय, टेक केयर।